रिवॉल्व में पटाखा फूटना चालू हो गया। भाई हम लोग BS6 स्टैंडर्ड जो आप बनाए BS3, अब आपको क्लासिक बनाने बोल रहे रिबॉन, क्या ये वही है? नहीं यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाला मतलब कि हटो तो इधर शैडो आ रहा है, ये वाला आपका ओल्ड क्लासिक है ना? कौन सा है, कौन सा मॉडल है? BS 2016 का BS3। BS3 में जो रिबॉन का जितना कलर रहता है ना वो प्रॉपर इस पे चढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग करेंगे आपको फ्रंट मडगार्ड से, जो हेलिकल ग्रीन कलर है, देखो भाई प्रॉपर उसका चमक वगैरह भी जो सब कुछ है, और ये सारे रेडियम वर्क वगैरह प्रॉपर किया हुआ है। इसका फ्रंट हेड वगैरह भी कंप्लीट हेलिकल ग्रीन किया हुआ है, और टैंक देखोगे आप तो टैंक भी आपको प्रॉपर हेलिकल ग्रीन वाला दिखेगा भाई प्रॉपर। और यहाँ पे कंप्लीट ये स्टिकर वगैरह भी आप देख रहे हो, प्रॉपर हेलिकल ग्रीन जो सीरीज था ना उसका डिटो कॉपी किया हुआ ये वाला। और BS3 है भाई, तो इसको बोल सकते हैं कि रिबॉन को। और एक और क्वेश्चन आ रहा था हमारा कि रिबॉन मॉडिफाई हुआ कि नहीं, तो वो चलो हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को। पहले आप ये देख लो, इस पोर्शन पे भी आपको कंप्लीट हेलिकल ग्रीन किया हुआ है क्लासिक 350, और डिटो पूरा छाप दिया गया, मतलब समझो रिबॉन को डिट्टो छाप दिए हैं हमारे कलर सेगमेंट के हिसाब से। आप टेल सेक्शन वगैरह भी पीछे का देख लो, कंप्लीट प्रॉपर देखोगे प्रॉपर आपको। और एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं इसका, कौन सा एग्जॉस्ट है? बड़ा शॉर्ट पंजाब है, इंदौरी है, इंदौरी विथ मड फ्लैप लगा हुआ है इस पर। कान में पे फोड़ो मेरा, एक बार कान में लग चुका, फिर लग गया कान में। अब अच्छे से फोड़ना, जरा कान में मेरा लगा है। इसका फिल्टर खुला हुआ है, फिल्टर खुला हुआ है क्या? मैं कसम, ये क्या क्या देखने को मिल रहा है, आग वाग सब निकल रहा है, पता है भाई, हेवी साउंड, इसके बारे में नहीं पता था यार कि इसमें ये भी फूटेगा। बाहर आ गया रबर, ये जो लाइन से छूटा उसी के कारण, गोली तो चलता ही है। अब इतना हेवी फूटेगा इसमें भाई, रिबॉन में पटाखा फूटना चालू हो गया। अच्छा एक और चीज बताओ, रिबॉन में ट्रैक्टर पैटर्न वाला टायर लग जाएगा? उसका मडगार्ड में लग जाएगा, पीछे में पतला रिम करेगा थोड़ा, मतलब लेकिन आया नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, आगे लग जाएगा पीछे नहीं लगेगा। और रिबॉन को हम लोग BS3 लगाना चाहे, रिबॉन को अगर BS3 करना चाहे तो उसका इंजन तो हमको लगता नहीं होगा ना, जे सीरीज इंजन इस कारण से। UJC कौन सा इंजन था, UCG क्या बोलता है एग्जैक्ट नेम जो स्टैंडर्ड में था? UCE इंजन, अभी जो दिया है वो जे सीरीज इंजन। भाई इसका पटाखा आप लोग सुने, BS3 का ये पैच, मतलब इसमें ना फिल्टर रहता है, फिल्टर है भाई, तो कैसे फूट रहा? फूटेगा ही फूटेगा, फिर से फोड़ दो। आग वाग सब निकल रहा है भाई, जो हिसाब का फ्लेम निकल रहा है ना इसमें, जो जिसका गाड़ी था ना उसका बेटा जो था वो ट्यून्ड कराया था, ट्यून्ड कर दिया इंजन को, तो उसके बाद से फिर और इसका देखे कि मारने लगा एकदम, हर पॉइंट पे फूट रहा है ना, सिर्फ पॉइंट में इतना मोटा मोटा आग फेंके। और आग पहला वाला जो फेंका बहुत ज्यादा लंबा छेद से बाहर गया, दूसरा वाला में और हेवी, तो इंदौरी में ही करेगा फिल्टर। ये तो बेंड पाइप वाला, वो बॉक्स वो सब तो नहीं है, उसमें नहीं है ना BS3 में, कितनों में किसी में उसमें में बॉक्स नहीं, डायरेक्ट हो गया जैसे स्टैंडर्ड हो, कैसे हम लोग बनाए इसी तरह सिंपल सिंपल, मतलब BS3 जो हम लोग अभी स्टैंडर्ड डाले भाई, जो आप लोगों को पसंद आया। बाकी इसका इंजन कंप्लीट देखो, स्टिकर वगैरह नॉर्मल वर्क, हम तो भाई दिखा रहे थे कि इसमें रिबॉन का पेंट हुआ है प्रॉपर ओल्ड इंजन के साथ रिबॉन, हम इस टाइप का वीडियो बना रहे थे, लेकिन जो इसका एग्जॉस्ट नोट फूटा है यार, लिटरली इतना तगड़ा साउंड, इतना तगड़ा, वो भी इंदौरी में 3S अलॉय लगा, और पीछे में चौड़ा टायर डाला हुआ है रैलकॉन का, आपका रैलकॉन का पीछे जो टायर है वो 100
आता है इसका डायमेंशन 110/90 का, इसका आप देख लो कंप्लीट चौड़ा टायर है 110 का, और आगे में हमको लगता है 90 का टायर डाला हुआ है 90/90, और 19 इंच का अलॉय व्हील। अलॉय व्हील आप देखो कंप्लीट 3S अलॉय व्हील रॉयल इराडो का डाला हुआ है, जिसमें आगे में डिस्क है एंड बॉस का हेडलैम्प लगा हुआ है। बाकी तो भाई जो हिसाब का पटाखा इसमें बज रहा है, पटाखा जो फूट रहा है यार, लिटरली इतना तगड़ा पटाखा फूट रहा है ना भाई, मतलब एक टाइम के लिए लगा कान फिर से मेरा गया, क्योंकि एक टाइम पे पिछले वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आया होगा। बाकी एनीवेज इसका भी पटाखा आप लोग देख लिए, और आगे देखते हैं हम लोग और फूटेगा तो वो भी क्लिप ऐड कर देंगे। एक चीज़ और बोलेंगे, इस वाली बुल्ड पे मतलब रीस्टोर जब हुआ था उस टाइम का वीडियो हम लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे मेरे ध्यान पे तो नहीं है, लेकिन आज इसका हम लोग पटाखा वो आप लोग दिखा रहे हैं और ये एक रिबॉन पेंट दिखा रहे हैं। और कमेंट मेरे को जैसा आ रहा था कि इंजन जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड को BS6 से BS3 किया, तो क्या रिबॉन भी हो जाएगा? तो भाई मुश्किल है, क्योंकि J सीरीज़ इंजन है उसमें, तो वैसा प्रॉपर तो हो नहीं पाएगा। ट्रैक्टर पैटर्न्स वाले टायर आप लोग पूछ रहे थे रिबॉन में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा काट वाट के मतलब कि कस्टम मेड करके हम लोग लगा सकते हैं अगर लग पाया तो, ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल लगाना। बाकी ये वाली कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वाली हेलिकल ग्रीन कलर जो आफ्टर मार्केट कलर हम लोग यूज़ किए हैं, वो भी टॉप क्वालिटी का भाई, जो क्वालिटी आता है ना इसका गारंटी वगैरह सब रहता है आप लोगों को। ग्राफिक वगैरह में थोड़े बहुत दाग लगे हुए, मेरे ख्याल से बाइक थोड़ी बहुत लगी होगी, क्योंकि आगे में एक जगह मेरे को स्क्रैच दिखा था मडगार्ड पे इस पोर्शन पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। बाकी तो कलर अभी तक बहुत ही सही चल रहा है, और ग्राफिक प्रॉपर जो रिबॉन गया था ना प्रॉपर कॉपी किया हुआ है भाई इस पर कंप्लीट। तो कमेंट सेक्शन हम लोग बताओ भाई कि आप लोग को इसका पटाखा कैसा लगा, इस पर टोटल कितने खर्च आया था जब पेंट हुआ था? तो गाड़ी का पूरा कवाड़ी है तो बना बना करके 50 के लमसम में किया था, जिसमें इसका हाफ इंजन का काम भी हुआ था, मतलब अच्छा खासा एसेसरीज भी लगा ना तेरा, भी हमको लगता है बॉक्स वगैरह पूरा लगा ना, मडगार्ड उडगार्ड सब जो उसका सड़ गया था, नया मडगार्ड क्लासिक कर दिया, उसमें फिर पेंट चढ़ा, पीछे का बैक लाइट कम्प्लीट स्टैंड वगैरह हो गया, तो तुम्हारा जा करके लुकिंग ग्लास है, हेडलाइट है, साइलेंसर है, पर्दा है, अलॉय व्हील है, आगे पीछे टायर है, बहुत कुछ है, सबका काम है, सेल्फ का काम है। तो पटाखा फिर से सुना दो हमें, हम निकलेंगे भाई। चलो तो लगभग अच्छा खासा खर्च हुआ है इस पर, और होपफुली आपको भाई ये वाला पसंद आया। हेडलाइट वगैरह के थोड़ा बहुत वर्किंग अभी नहीं है, फिर से आया है क्या सर्विस पे? हाँ, ये जो है ना, ये तो प्रॉब्लम आ गया था। हाँ ये तो सही चल रहा है जो व्हाइट वाला, प्रॉब्लम आ गया था तो वो कंप्लेन में चेंज होता नहीं, कस्टमर भी क्या किया था ना, हाँ, कि बैटरी पूरा डाउन था और वो क्या किया कि हेडलाइट जला करके सेल्फ मार दिया था। क्या है कि ये LED है, अगर उसमें तुम लाइट जला करके सेल्फ मारेगा दिक्कत, सही करंट नहीं मिलेगा, तो उसका डाइट रहता ना छोटा छोटा वो उड़ जाता है, इसीलिए कभी भी हम ये भी रिकमेंड करेंगे कभी भी अगर कोई भी LED लगा रहा है रॉयल एनफील्ड के हेडलाइट में, तो उसमें कभी भी जला के सेल्फ नहीं मारना, वो मैग्नेट करंट आता ही आता है। चलो भाई हम लोग निकलेंगे, रात बहुत हो गया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा भाई, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसका पटाखा कैसा लगा वो भी बताना। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।